सुरक्षित है लगता है, सेफ हो आप? नहीं 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 हाँ। लेकिन उसको कौन है लुक है केशव प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं आप? स्वामी प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं हाँ। और खासकर मैं योगी आदित्यनाथ बहुत बहुत धन्यवाद से मेरे यहाँ ऐसा प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव। इस समय आप कुछ समाचार देख रहे हैं। हम फिलहाल मौजूद हैं रामकोला विधानसभा में और ये मथौली बाजार है। यहाँ तस्वीरें दिखानी है और यहाँ विधानसभा की क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ खामियां हैं और व्यवस्थाओं में क्या कुछ किया है विधानसभा के विधायक ने, ये तस्वीरें आपको विधानसभा से बतानी है। और इसलिए हम ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ से तीन विधानसभाओं का संगम होता है। यहाँ हाटा है, यहाँ कसिया पड़ेगा और ये रामकोला है। तो अब यहाँ से तस्वीरें दिखानी है कि यहाँ के आखिर विधायक रामानंद बोध ने क्या कुछ किया है अपने इस बदलती तस्वीर के लिए, आपके इस क्षेत्र के लिए। चमचमाती गाड़ियों से जब आपके दरवाजे पे आजकल नेता वर्ग आता है और आपसे वोट की अपील करके पूछता है कि हमें इस बार आप उम्मीदवार बनाइए, हमें आप नेता बनाइए, हर बार हर जब भी 5 वर्ष पूरे होते हैं तो हर बार दावेदार आते हैं आपके दरवाजे तक, हर बार वोट की अपील होती है और हर बार न जाने कितने ही रैलियां आपको देखने और सुनने को मिलती है। लेकिन आपका क्षेत्र कितना बदलता है, आपके क्षेत्र की तस्वीर कितनी बदलती है, तो आपके क्षेत्र में कितनी तस्वीरें बदली हैं, इस बदलते तस्वीर के बारे में हम यहाँ के आम जनता से पूछ लेते हैं कि आखिर उनके क्षेत्र में किस तरह का बदलाव हुआ है और आखिर उनके जनप्रतिनिधियों ने जो तमाम दावे और तमाम वादे के बाद उनके बीच में आए थे, उनका प्रतिनिधित्व किया था, उनका नेतृत्व किया था, आखिर वो नेता आखिर कहाँ चले गए और क्या कुछ बदला है इस पूरे विधानसभा में, ये सीधे तौर पर आपको जनता से बात करके बताते हैं। चाय की दुकान से राजनीति की चमक दमक बढ़ जाती है। चाय पे चर्चा राजनीति में ना हो तो राजनीति में मजा नहीं देती है, इसलिए चाय की दुकान पे है। विधानसभा चुनाव आपके बहुत करीब बहुत पास में है, तमाम दावेदार तमाम उम्मीदवार आपके क्षेत्र में भ्रमण करके ये बात कर रहे हैं कि हम आपके क्षेत्र में विकास का वो साचा ढांचा खींचेंगे जिसके तहत आपका क्षेत्र चमकदार दमदार और मजबूत हो जाएगा। लेकिन चाय की दुकान पर आ गए हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर वो विधानसभा के जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति रहे उनसे कितना खुश है। तो बहुत क्या लगता है, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं भैया विधानसभा। हाँ, मैं रामकोला विधानसभा से बहुत खुश हूँ। मैं इसके पहले पुनवासी देहाती प्रत्याशी थे, उससे मैं बहुत खुश हूँ। जो रामानंद बौद्ध हैं मैं उससे ना खुश हूँ, और वो टिकट पाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे सपा से। अगर समाजवादी पुनवासी देहाती टिकट पाते तो चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, क्या कुछ हुआ है, कुछ तस्वीरें बदली हैं कि नहीं? 5 सालों बदला है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन मेरे देखने में नहीं कुछ बदला है। सुनने में आया कि नगर पंचायत भी होने वाला है? अभी तो हुआ नहीं है, लोग प्रयास में पड़े हुए हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तभी अच्छा है। क्या लगता है, कुछ तस्वीरें बदली कि नहीं बदली? कुछ नहीं बदली है, कुछ भी नहीं बदला। 5 सालों में विधायक जी कभी दर्शन दिए कि नहीं दिए? नहीं, दर्शन तो दर्शन देते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ? काम तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक रोड बना है, 5 बार इसको तोड़ा गया अभी तक। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण काम पूछे कि आपके इस विधानसभा में कुछ हुआ है कि नहीं, महत्वपूर्ण कामों में कुछ बताएंगे? कैसे, मतलब विधायक निधि से? या विधायक निधि से? बिल्कुल, विधायक निधि से। तो अभी हमारे ग्राम सभा मथौली बाजार में केवल 100 लाइट 4 दिया गया है और एक सरकारी नल दिया गया है। बाकी हम लोग विधायक जी से, ये मेन रोड जो है मथौली बाजार और गंभीरपुर जो मार्ग है, ये लगभग ये टच करता है 6 किलोमीटर बड़वारपुर तक, तो उनको कई बार हम लोग लिख कर दिए थे विधायक जी को, उन्होंने बस आश्वासन दिया है। और मान लीजिए 5 साल हर बार बूथ जीतती है यहाँ से मथौली से, लेकिन आज तक मेन सड़क नहीं बन पाया। अच्छा, आप किसके विचारधाराओं से ज़्यादा प्रेरित है, सपा, भाजपा, कांग्रेस? सपा। हाँ, इसके पहले जब प्रतिनिधित्व आपके हाथों में था तो क्या कुछ तस्वीरें बदली थी? उस समय भी कुछ काम हुआ था। अब देखिए, जब सपा की गवर्नमेंट थी आप मिल लगा कुछ तस्वीरें। जो भाजपा की नीतियाँ हैं, जो योगी सरकार है, बीजेपी सरकार है, उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो विधायक कैंडिडेट हैं उनके वजह से थोड़ा मतलब मात खा रही है। विधायकों का चयन तो होता ही नहीं है, सीधे सीधे तौर पे मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है, इसीलिए तो इस बार ये विधायक चेहरा हमारे जो पूर्व के थे वो, उनकी पार्टी भी गठबंधन कर ली है सपा समाजवादी सरकार से, तो हमारे कैंडिडेट चेंज होंगे तो हमारे विधानसभा का वो जो थोड़ा सा जो कमी रह गया था वो भी वो चेंज हो जाएगा। और किसको चाहते हैं, किसको अपना विधायक बनाना चाहते हैं आप? कौन सा ऐसा प्रत्याशी जो लगता है कि नहीं दमखम रखता है, आपके क्षेत्र का पूरा चकाचौंध बदल सकता है? देखिए, अगर हम बड़े भैया अखिलेश यादव जी, अगर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी किसी को भेजेंगे हम लोग उसको जिताएंगे, समाजवादी पार्टी किसी को देंगे हम लोगों को जिताएंगे। सरकार मतलब आप सपा की बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं। और आप? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी, 300+ बनेगी, क्योंकि कोविड में
गरीब घरों को जो मतलब लॉकडाउन लगा था उसमें जो डेली मजदूरी करके खाना मतलब अपना रोजमर्रा की ज़िंदगी व्यतीत करते थे, उसमें गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया कि 2 महीने मुफ्त में राशन दिया, उसके बाद कोविड से बचने के लिए फ्री में वैक्सीनेशन किया, और उसके बाद बिजली गैस सारा चीज़ का व्यवस्था किया। जो विवरण दे रहे हैं इतना सारा काम, 20,000 के लैपटॉप हमारे अखिलेश यादव ने बांटे, इसी घर के परिवार लोग ने पा लिया, आज उस पे फोटो अखिलेश यादव को पढ़ा तो लोग बुराई करना चालू कर दिया। अभी तो जब नमक पे मोदी जी का फोटो आ रहा है वो कितना बड़ा बुरा ये, जब आप अखिलेश के लैपटॉप पे विरोध करते थे कि उनका फोटो है, लैपटॉप पे कभी विरोध नहीं किया, लैपटॉप दिए अच्छी बात है, योगी जी टैब दे रहे हैं, टैब पे फोटो नहीं है, वो ये भी तो देखिए लैपटॉप वो दिए तो फोटो था, लेकिन योगी जी के टैब और लैपटॉप पे फोटो नहीं है, झोले पे फोटो है। 5 साल बीत गया भाजपा की सरकार में एक वो वैकेंसी नहीं निकला। अच्छा मानते हैं कि नहीं बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी है, कम हुआ है, भाजपा की सरकार में हमारे मथौली बाजार के नौजवान यूपी पुलिस में हुए हैं, झमई टोला पे इनका घर है, भाई साहब का सत्येंद्र यादव उनका नाम है, वो समाजवादी सरकार में सबसे ज़्यादा परसेंट था, 82% था, लेकिन अब धांधली कहिए चाहे जो भी कुछ कहिए, जब वो मुद्दा अलग है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ उस भाजपा सरकार में, उससे कम परसेंट आने के बावजूद भी इस समय वो कानपुर से ट्रेनिंग करके इस समय आजमगढ़ कप्तानगंज थाने में कार्यरत है। और लोगों से भी बात उठा लेते हैं, कितना खुश हैं आप वर्तमान विधायक से, वर्तमान सरकार से? वर्तमान विधायक से तो एकदम हम खुश नहीं हैं, हमारे के वर्तमान विधायक रामानंद बौद्ध जी दो शिलान्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत राजनीति तो नहीं जानते हम, हमारे यहाँ काली माता के पोखरे पर विवाह भवन के लिए नींव रखे थे, वो आज तक नींव का ईंटा पता नहीं कहाँ गया मालूम नहीं है, चेड़ा माता मंदिर के गेट बनवाने के लिए नींव रखे थे, लेकिन वो सांसद विजय दुबे जी ने बनवाया है, वो नहीं बनवा पाए, हमारे यहाँ के रामानंद बौद्ध जो विधायक जी हैं वो हमारे नज़र से मतलब राजनीति तो बहुत नहीं जानते, हमारे नज़र से कोई मथौली के लिए कोई विशेष काम नहीं किए हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि जैसे आपके सबसे सेफ सीट माना जाता है, सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है, तो फिर भी कह रहे हैं कि विधायक जी कोई काम नहीं। विधायक जी भैया, विधायक जी यहाँ पे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहेंगे। विधायक तो एलियंस के हुए थे, फिर भी आप हुए थे तो मान लीजिए अब नहीं काम किए, वो उस पर नहीं खड़े उतरे, तब उसके लिए कोई क्या करेगा, हमने तो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तो आप ही तय करेंगे साहब, सरकार में डबल इंजन की सरकार आपकी है, जवाबदेही इनसे थोड़ी तय करेंगे। अब आवे मैदान में तब उनको जवाबदेही होगी, अब मैदान में आवे, अब हमसे वोट मांगने आवे, किसी भी पार्टी से आवे, हम लोगों के सामने उनको जवाब हम देंगे, हम इतने कमजोर थोड़ी ना, उनसे हम बात करेंगे। तो विधानसभा बदल के चले जाएंगे खड्डा, तो वहाँ की जनता यहाँ की जनता सबक लेगी ना कि वहाँ के लिए कुछ नहीं, तो मेरे लिए भी कुछ नहीं करेंगे, उनका पूरे प्रदेश में हल्ला है, पूरे प्रदेश के लोग जानेंगे धीरे धीरे। चलिए तो अब कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं कि यहाँ की बदलती तस्वीर से कितना खुश है स्थानीय लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, युवा वर्ग भी खड़ा है यहाँ पे। देखिए जिस तरीके का हुजूम है, क्या लगता है चाचा, क्या है, क्या लगता है विधानसभा में कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम तो हुआ है विधानसभा में। क्या काम हुआ बताइए तो, विकास से क्या हुआ है काम, विकास के काम में कौन कौन सा काम हुआ है आपका, विधायक जी ने क्या क्या कहा है? विधायक जी सापक्ष के लोग कह रहे हैं कि विधायक जी कुछ कमवे नहीं किए हैं। तो अच्छा अपने अपने हम मोती रामकोलक विधायक जी रामानंद बौद्ध जी उनके देखने में तो हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने हमारे अपने देखने में कभी दर्शन हुआ विधायक जी का? दर्शन कभी कभार होता है, रोड पर आते हैं, रोड पर जाते हैं, जन संपर्क में नहीं रहते हैं, आते हैं जाते हैं। क्या कुछ आपका कहना है? हम तो अभी विधायक जी को देखे ही नहीं, देखे ही नहीं, आप देखे ही नहीं, हम विदेश रहते हैं। युवा वर्ग के नौकरी नहीं मिला इस सरकार में, नौकरी का बहुत बेरोजगारी बहुत है, हमारे लड़का भी काम बीटेक करके ये कहा था मैं कि नौकरिया देले बटिया, कहाँ नौकरी देले बने बताओ, नहीं नौकरी कहाँ देले बने बताइए, आप ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं भर्ती हुई कि नहीं हुई, यूपी पुलिस की भर्ती हुई, 69,000 टीचरों की भर्ती हुई, रेलवे ग्रुप डी और जेई पद पे भर्ती हुआ कि नहीं हुआ, हेतन नौकरी गिनवा देले बने, गिनवालस हो जाइए, गिनवालस ना है भैया, दिखावे ना पेपर, दिखावे उसका पेपर, दिखावे वो पेपर दिखावे कि क्या हुआ के टोले पे है, ये यादव जी से ये आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा उम्र ज्यादा अनुभव रखते हैं, फिर भी ये बात कह रहे हैं कि नहीं मिला है, यादव जी से पूछिए इनके टोले पे यूपी पुलिस में लड़का भर्ती हुआ है कि नहीं हुआ, उनसे भी पूछ लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। 1,30,00,000,000 जनता है यहाँ,
अगर 10-20 लोग के नौकरी दे देंगे तो नौकरी मारा जाएगा, नौकरी घर नहीं मिलेगा, बच्चा पड़ेगा तभी नौकरी मिलेगा। पूछिए कितना पढ़ा है, पूछिए कितना पढ़ा है, मेरे अधिकार नहीं है नौकरी मारने के, मैं नहीं पढ़ा हूँ, पढ़े तो मांगिए नौकरी, पढ़ेंगे तभी नहीं पाएंगे नौकरी, पूछिए पढ़ा है, हमने पढ़ेंगे तब नौकरी नहीं पाएंगे, तब कहाँ नौकरी के लिए नौकरी हो पाएगा। किस लाख लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय, 21 से 21 लाख लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा तो देख रहे हैं माहौल और राजनीति की गर्माहट देख लीजिए, कोई कहता है कि नौकरी नौकरी ही मिल रहा है, कोई कहता है कि नौकरी मिल ही नहीं रहा है, रोजगार करते हैं स्वरोजगार करते हैं आप, जी हाँ, तो क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, क्या कुछ विकास या आपको क्या लगता है कि लाभ हानि आपके कारोबार में है? इस सरकार में तो कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं नहीं, ये डबल इंजन आपस में टकरा गए हैं, अब साइकिल की आ रही है सपा, डबल इंजन आपस में टकरा गई साइकिल की सरकार, साइकिल की सरकार आ रही, डबल इंजन दोनों टकरा गए हैं, हाँ सपा अखिलेश आ रहे हैं यूपी में। अच्छा, इतना महंगाई बढ़ गया उस पर बात नहीं हो रहा, खाली 5 किलो राशन पे बात हो रहा है, शिक्षा। अच्छा, आप जैसे ये लेके जाते हैं गाँव में, तो पहले जब अखिलेश की सरकार थी तब आपकी बिक्री ज्यादा थी या अब? पहले बहुत बिक्री ज्यादा थी, पहले गाँव में खुशहाल थे लोग, काम बाहर करने जाते थे, और जब से इसकी सरकार आई है इतना पैसे से तंगी आ गई है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं से सरकार में विकास हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल खुश नहीं, खुश नहीं है, डबल इंजन की सरकार आपस में टकराया है, इंजन सपा आ रही है। क्या चाचा क्या हाल चाल है, गांव क्षेत्र जवान सब ठीक बा? ठीक है बा, लेकिन बा हम कहना यह चाहेंगे कि किसानों का अगर गन्ने का लागत दोना क्या 3 गुना हो गया है, लेकिन जब चुनाव आया तो इस बार केवल 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, न कि 4 सालों में बढ़ोतरी हुई है, तो किसान परेशान है, किसान परेशान होगा तो देश परेशान होगा। अच्छा, अपने वहाँ तो माना जाता है कि आलू की खेती हुई बहुत होला, नहीं कोल्ड स्टोरेज वगैरह, अपने वहाँ गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है कुशीनगर, कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी रहा चारों तरफ था, लेकिन अपने वहाँ अपने यूज के लिए ही लगभग लोग किसान गन्ना बोते हैं, आलू बोते हैं, गन्ना और गेहूं धान ज्यादा अपने वहाँ बोया जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है, हाँ चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो फिर गन्ने का लागत बढ़ा है, अब उनका बेनिफिट नहीं सही मिल रहा है, पेमेंट सही नहीं मिल रहा है, पेमेंट बकाया चल रहा है। तो अब जब ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा गई है, तो पूछ लेते हैं, आइए आप भी थोड़ा आइए, चाय पिलाते हैं आपको, और चाय पिलाते पिलाते बीजेपी वाले भाई से भी बातचीत करते हैं, वो कह रहे हैं कि सपा की सरकार जो भाजपा की सरकार है डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा गई है, जवाब देंगे उनको? ऐसे डबल इंजन की सरकार है तभी तो विकास हो रहा है भैया, केंद्र में अगर सरकार कांग्रेस के होती तो बजट लेने में योगी जी को दिक्कत होता, थोड़ा सा आराम हम भी कर लेते हैं, बढ़ जाते हैं। मुझे सबसे महंगी बिजली बिल उत्तर प्रदेश में क्यों है? बिजली बिल अब योगी जी हाफ कर दिए भैया, 50% माफ कर गया, यही राशन था मार्च तक था, उसमें जनवरी तक था, अब सरकार चुनाव बढ़ गया, 3 महीना राशन बढ़ गया, बढ़ रहा है केस बढ़ रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट पहले पहले भाप लिया और उसको मार्च तक कर, देश का जीडीपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जीडीपी इस समय बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ, हाँ नहीं नहीं घटा है, आप बताइए, हम समझ नहीं पाए भैया, देश का जीडीपी 8 पॉइंट कुछ था पहले, मैं मतलब देखा था, अभी समय का करंट का नहीं मुझे पता है, इस समय नहीं पता है, आपको बताइए, हमें घाटा है पूरा, हमको भी नहीं मालूम। वर्तमान सरकार के जो कार्ययोजना रही हैं और विधानसभा में आपने बताया कि काम ही नहीं हुआ है, महंगाई बेरोजगारी दिखता है कि नहीं दिखता है? सीधा क्वेश्चन, सरल एकदम सहज क्वेश्चन। महंगाई जो है, अगर मान लीजिए आपको वैक्सीनेशन, अमेरिका जैसा देश विश्व का शक्तिशाली देश है, वहाँ पर वैक्सीनेशन फ्री में नहीं हो रहा है, इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर में आता है विश्व में, आप जानते होंगे भैया, तो इतने बड़े देश में आप अगर जो फ्री वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो आपको गवर्नमेंट को देना ही होगा, तो थोड़ा कहां सा से कहां से वसूल लेंगे उसको? वही मान लीजिए टैक्स वोक्स वगैरह है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का जो महंगाई, पेट्रोल जो पहले दाम बढ़ा था अभी समय कम हुआ है, राहत मिला है उससे, कम हुआ है पेट्रोल का, वो तो चुनावी मुद्दा है, कम हुआ है चुनाव, जैसे चुनाव होने वाला है ना भैया, चुनाव से पहले 4 महीने पहले अब इनका रथ चला है, जब लोग कोरोना में फंसे थे तब कहां रथ चला इनका, तब इनका कोविड कोविड वाले में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता पदाधिकारी क्षेत्र में लगे रहे, बाकी पार्टियों के लोग केवल व्हाट्सएप और फेसबुक से ही अपना अपना निर्देश वो जारी कर दे। और क्या कह रहे हैं, इधर आइए, युवा वर्ग देखिए, युवा वर्ग की खासे जरूरत है, युवा वर्ग की खासे जरूरत है, आइए आइए बताइए क्या कर रहे हैं। जिसमें कोरोना काल था उसमें अखिलेश यादव अपनी लड़की के पेपर दिलवाने गए थे एडमिशन कराने, क्यों उनका कर्तव्य नहीं बनता है?
वही तो कह रहे हैं कि उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि अपने प्रदेश के लोगों को छोड़ के लंदन चले गए थे भैया, लंदन चले गए डिंपल यादव रोड पे राजनीति डिंपल भाभी बैग अटक गई है। डिंपल भाभी छोड़ी जो प्रदेश के हमारे पूर्व मुखिया रहे हैं वो लंदन चले गए थे कोविड वाले में, अपने प्रदेश के लोगों को छोड़कर लंदन चले गए थे। हमारे योगी जी दिन रात 24 घंटे मेहनत करके अपने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो संभव से संभव चीज था उसको वो करा रहे थे। अच्छा, किसकी सरकार से पहले खुश हैं आप? ये तो अखिलेश जी की सरकार से खुश थे या वर्तमान की जो सरकार है उससे खुश? हम तो यादव तो कहबे करेंगे अखिलेश से खुश है, बाकी आप दूसरे से भी तो पूछो। यादव है तो मतलब डेफिनेटली कहेंगे कहबे करेंगे हम अखिलेश से खुश हैं। ये समीकरण बैठा के कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? समीकरण बैठा के उनके उनके सरकार में बहुत कुछ मिल रहा था। ग्राम सभा के हमारे प्रतिनिधि के बड़े छोटे भाई हैं, इनसे पूछिए ग्राम सभा में कितना बजट आ रहा है, कितना ज़्यादा काम हो रहा है सपा की अपेक्षा। इनके भाई साहब एक दिन बड़े भैया हमसे मिले थे, भोला भैया जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, वो कह रहे थे कि इस सरकार में बजट की कमी नहीं है, बजट की कमी नहीं है, बस है कि नहीं बजट की कमी अगर सरकार रहती इससे चरगुना बजट लाते हम लोग, इससे बड़ा बड़ा नहीं नहीं वही के बात खंडन कर दे रहे भैया। सुनिए इनके इनके भैया से मेरी बात हुई थी, हिंदुओं में शेष बड़ी गुड़ पा जाएंगे टिकट तो अभी कल जाएंगे उनके पास काम के लिए तो कहेंगे हम भाजपा से मतलब हम बोला चाली खत्म हो गई। पिछली बार टिकट पाया 2 साल बाद खतरा गए लोग बोले हम भाजपा सपा की सरकार में भाजपा और भाजपा में बोल चाल नहीं है भैया। बजट वो हमसे स्पष्ट कहे थे कि सरकार में बजट की कोई कमी नहीं है तो कैसे हम मान लें कि इनको काम नहीं मिल रहा था। चलिए अब क्या चाचा इतना बतियाओ तो लोग कमे ना भैया का काम भैल बात काम भैल बा ऐसा है कमचा लगेले तो लगा था बीजेपी वाले हैं लेकिन बीजेपी वाले तो है हैं आ ये इतना भाजपा की सरकार में जो काम हुआ है कौन सरकार में काम भैल बा आ ओकरे बाद से रोड ऐसा मिलल बा राधे स्वामी यार सड़क कोड़वा के भाजपा के लोग मनमाहौल फ्री में राशन मिलल बा कांग्रेस के सरकार में चाहे मुलायम के सरकार में और नेता अयोध्या में अयोध्या में आदमियों के कटवा दिए गोली मरवा दिए। महंगाई बढ़ल बा महंगाई क्या है कहाँ महंगाई है बताइए महंगाई कहाँ बेरोजगारी बा बेरोजगारी बा एकदम कोई नहीं है न रोजगारी है न महंगाई है। अच्छा यहाँ बैठे यहाँ बैठे है कह रहे हैं अच्छा वो अपना महंगाई तरीके से नहीं कर पा रही है ठीक विपक्ष की भूमिका में आप तो विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर पा रहे हैं क्या? बेरोजगारी कह रहे हैं ये नहीं है महंगाई है ये नहीं है जब वो कहेंगे नहीं है ना इनसे पूछे अरुण जेटली स्मृति ईरानी क्या कर रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी क्यों बैठे थे लोग तो ये सपा और कांग्रेस के लोगों को भी तो वो करना चाहिए ना वो रोड पे क्यों नहीं आ रहा है महंगाई है तो रोड पे आना चाहिए ना उन लोगों को कि महंगाई रोड पे नहीं आ पा रहे क्या विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं क्या अभी भाजपा की सरकार है थूड़ के जेल में बंद कर देंगे कि जब अगर महंगाई होता तो मुलायम सिंह के छोटी पतोई कैसे भाजपा में आ जाती देखिए बताइए अब देखिए हमको जो तो आने वो भाजपा में जो चुनाव हार गया जो अपना स्टेट नहीं बचा पाई वो कहीं जाए उसे क्या मतलब है केशव प्रसाद मौर्य अभी तो अभी इन्हीं के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य के कौन अलुक बटे वो सलाई वो हाथी में से कूद करके भाजपा में भाजपा में से कूद कर उसमें जा रहा है उसको कौन अलुक है केशव प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं। हाँ देखिए ये मथौली ग्राम सभा के सबसे माने जाने आदमी हैं आप इनकी बातों मत देखिए ये एक दूसरे के विपक्ष में कुछ करा सकते हैं हम न बोलने की तमीज है न कुछ तमीज है इनके पास सवाल मत करिए दूसरे सवाल जब तक ये तो देखते नहीं 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 कुछ नहीं होगा ऐसा कोई बात नहीं है ऐसा कुछ होने नहीं देंगे हम लोग तो ये देखिए राजनीति की चमक दमक है राजनीति की तकरार है राजनीति अपना माहौल खड़ा करता है और राजनीति में अदल बदल उल्टा सीधा काम होता रहता है वो अलग बात है वो अलग मोड़ से क्या लगा था काम भइल बा विधानसभा में? हाँ काम भइल नहीं है विधायक जी का कहले बना विधायक जी तो ना कुछ कहले बना सरकार कहले तो कहले बस विधायक जी तो हम देखले ही नहीं की तो सरकार के तो विधायक जी हाँ तो होंगे तो हम देखले ही नहीं की उनकी हम देखले ही नहीं की। अच्छा युवा वर्ग है क्या कुछ चाहते हैं बताइए? कुछ नहीं चाहते हैं किसी का सरकार बने किसी का सरकार बने किसी का जाए कोई मतलब कोई मतलब नहीं हम ऐसे अरे बाबू नहीं क्या लगता है विधानसभा में काम हुआ कि नहीं आप देख नहीं रहे हैं भाई कह रहा है बीजेपी वाले भाई साहब कह रहे हैं अरे भाई बीजेपी से क्या मतलब आप कहाँ हैं
आप थौली बाजार में खड़े हैं, आप रोड देख लीजिए। तो देख के पूछ रहे हैं कि विधानसभा में काम हुआ है कि नहीं, विधायक जी काम किए कि नहीं, इधर आइए आप। इतना चमक रहा, आप खुद देख लीजिए कितना सरकार काम कर रही है, चाहे विधायक काम कराए हैं। हाँ अच्छा, इस बार किसकी सरकार? सपा सरकार बन रही है। इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? सपा को सरकार बनाएंगे। क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगे? देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं सपा के सरकार में ही मेरे वहाँ रोड बना है, भाजपा के सरकार में कोई रोड नहीं बना है। हाँ, यहाँ सांसद विधायक जीत के जाते हैं, पाँच साल के बाद नजर आते हैं, उसके अलावा कोई नजर नहीं आता है। हम लोग सब, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। बीजेपी पार्टी है लेकिन काम कुछ नहीं होता है, और काम कुछ भी नहीं होता। वही तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बीजेपी यहाँ से वोट पाती है फिर भी काम नहीं होता है, तो बताइए जवाब देंगे? विधायक दीदी से नहीं हुआ लेकिन सरकार कर रही है अपना काम, सरकारें कर रही हैं अपना काम, विधायक जी काम नहीं कर पा रहे हैं। चाय की दुकान से राजनीति की चमक दमक दिखा दी आपको, अब क्षेत्र के और भी लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं कि वर्तमान सरकार ने क्या कुछ किया है, वर्तमान जो विधायक है उन्होंने क्या कुछ किया है, तो क्या लगता है चाचा काम भइल बा विधायक जी की तरह? बहुत अच्छा भइल बाटे, भइल काहे बा, हुआ ही है। क्या कुछ हुआ है, क्या कौन सा काम हुआ है? यार ये सरकार अच्छा है कि नहीं? सरकार अच्छा कौन काम के लिए बताइए, रोड बन रहा है, बिजली बन। विधानसभा में विधायक जी ने क्या कुछ कराया है? कोई काम नहीं हुआ, और खासकर मैं योगी आदित्यनाथ बहुत बहुत धन्यवाद से मेरे यहाँ ऐसा प्रधानमंत्री बने। अच्छा विधानसभा की बात करें साहब, तो विधायक कैसा रहा आपका, कैसे रहा विधायक जी का कार्यकाल? सर विधायक जी का कोई काम अच्छा नहीं रहा, वो विधायक जी कोई भी काम अच्छा नहीं रहा। आप खुश हैं विधायक जी के कार्य? नहीं, योगी जी से खुश हैं, योगी जी जानते हैं बस, योगी आदित्यनाथ हमेशा रहे हैं। क्या लगता है विधानसभा के विधायक जी ने काम कुछ कराया? नहीं, काम तो नहीं कुछ कराया विधायक जी ने। अगर अव्यवस्था की बात करें तो लगता है कि यहाँ व्यवस्था फैला है या सब चीज चकाचौंध है? व्यवस्था तो उतना सही चकाचौंध नहीं है। अब की बार किसके सरकार? बीजेपी गठबंधन सरकार। चलिए कोई नहीं। क्या लगता है आपको विधानसभा में काम हुआ है कि नहीं? काहे नहीं काम हुआ है? जैसे कौन सा काम हुआ? सड़क भी खराब हुआ, देखिए। अरे ये सड़क है लेकिन और जगह तो काम तो हुआ है, जो भी गरीब को जो प्रोत्साहन देना चाहिए वो तो मिला है। ये कहा जाता है कि 22 करोड़ की सड़क है, 22 दिन में टूट गया था। नहीं नहीं, ये सब गलत फहमी है। अच्छा हाँ। पढ़ती हो हाँ? तो क्या लगता है इस बार मोदी जी से, अखिलेश जी से किसको पसंद करती हो? मोदी जी को। काहे पसंद करती? क्योंकि उनके वजह से हमारा मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। कैमरे को देख लो, प्रोग्रेस हुआ है हमारा। कैसा प्रोग्रेस हुआ मतलब? बहुत क्या मतलब ये जैसे बहुत ही मतलब हम लोगों को अभी पढ़ाई में मतलब सब चीज हाँ फैसिलिटियाँ मिलती हैं। हाँ। स्कूल जाते हैं तो वहाँ जैसे महिला सशक्तिकरण पे बात होती है कि महिला हमारे सुरक्षित हैं, बेटियाँ सुरक्षित हैं, लगता है सेफ हो आप लोग? नहीं सेफ नहीं हो? नहीं, डर लगता है। हाँ अच्छा, लेकिन कानून व्यवस्था जो यहाँ गृह मंत्री आते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं महिलाएँ हमारे यहाँ की सुरक्षित हैं, बेटियाँ सुरक्षित हैं, फिर भी क्यों डर लगता है? उनकी तरह से हम लोग सुरक्षित हैं लेकिन हम लोग अपनी तरफ से तो डरते हैं ना, अपनी तरफ से डर लगता है। चलिए कोई, तो चमचमाती तस्वीर दिखाई हमने आपको, लोगों से बातचीत करके दिखाया, एक बेटी की भी बात सुनाई, सब मिला जुला के लास्ट कंक्लूजन पूछे आपसे, तो क्या कहेंगे? तो सबसे पहले इस क्षेत्र के विधायक की बात कर लूँ मैं, तो यहाँ के विधायक है रामानंद बौद्ध जी, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षर में लिखते हैं विकास पुरुष, विकास पुरुष का विकास आप देख लीजिए, जहाँ जिस सड़क पे खड़े हैं, ये सड़क मैं लगातार यहाँ 5 सालों से आता हूँ, 5 सालों में सड़क की तस्वीर नहीं बदली है, और नाम के आगे खूब मोटे से लिखते हैं विकास पुरुष, क्षेत्रों के दर्शन नहीं हुए होंगे लेकिन नाम लिखते हैं विकास पुरुष, विकास पुरुष का विकास तो देखिए। और तो और उनसे सवाल करने भी जानते क्या बोलते हैं कि हमारे विधानसभा में सबसे ज़्यादा सड़कों के जाल बिछे हैं, और सड़कों के जाल कैसे बिछे हैं कि हमने खबर दिखाई थी किसी के बगल में मथौली रगड़गंज मार्ग है कि 22 करोड़ की सड़क बनी थी वो, और 22 दिन में ही वो चट गई थी। इस तरह से इस जिले में, इस विधानसभा में विकास हुए हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कहने वाली सरकार में इस तरह के घोटाले हुए, इस तरह के विधायक रहे, निष्क्रिय विधायक रहे, तो हमारे प्रदेश का विकास कैसे होगा? और हमारी जनता भी चेहरा नहीं देखती है, वो ऊपर का चेहरा देख लेती हैं और उसके ऊपर के चेहरे पर नीचे के लोगों को चुन देती हैं, जिसका खामियाजा हमें ऐसे ही लोगों को चुन के देखना पड़ता है। तो चलते चलते अलविदा लेते हैं, और ये तस्वीर हमने जब आपको दिखाया इस विधानसभा से, तो आप
की जिम्मेदारी बनती है, आप तय कीजिएगा। आने वाले जो दावेदार होंगे आपके घर तक बड़ी बड़ी गाड़ियों बड़ी बड़ी रैलियों के साथ पहुँचेंगे, जब वोट की अपील आपसे करेंगे, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप किस तरह के विधायक का चयन करते हैं, और तमाम सरकारें जो आके वादे करती हैं आपसे, तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद।